हेलो एवरीवन, स्वागत करती हूँ मैं आप सबको संडे किचन में। आज की रेसिपी में हम बनाएंगे उड़ीसा स्टाइल का फिश एंड आलू का करी। इसके लिए मैं इधर रोहू फिश ली हूँ एंड इसमें सॉल्ट एंड टर्मरिक का पाउडर ऐड करके इसको अच्छी तरीके से मिला के इसको कुक कर लेती हूँ। एंड फ्राई करने के टाइम में गैस का फ्लेम हमेशा मीडियम ही रखे, ज़्यादा हाई फ्लेम में इसको कुक नहीं करना है। सो देखिए, इसका फिश जो है, मैं फिश को फ्राई कर दी हूँ। अभी हम करी बनाएंगे। करी बहुत सिंपल है एंड इसमें ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स भी नहीं लगता है, इसीलिए मैं कढ़ाई गरम करके इसमें 2 चम्मच कुकिंग ऑयल ऐड कर ली। ऑयल गरम होने के बाद हम इसमें ओनियन ऐड कर लेंगे। आप कुछ भी कुकिंग ऑयल यूज कर सकते हैं, बेसिकली नॉनवेज के लिए मैं मस्टर्ड ऑयल प्रिफर करती हूँ। ओनियन का कलर थोड़ा ब्राउन आ जाए फिर हम जो ओनियन का पेस्ट रखे थे उसको ऐड कर लेंगे। ओनियन का पेस्ट को भी ब्राउन होने देते हैं मसाले के साथ। उसके बाद जो जिंजर एंड गार्लिक का पेस्ट रखे थे इसको ऐड कर लेते हैं। एंड उसके बाद जो स्पाइसेस है, सॉल्ट, टर्मरिक का पाउडर, चिल्ली पाउडर, धनिया का पाउडर एंड जीरा पाउडर, इसको सब कुछ ऐड करके इसको मसाला को कुक होने देते हैं। एंड मसाला को आप जो फ्राई करेंगे इसको भी आप मीडियम फ्लेम में ही कुक करेंगे। मसाला थोड़ा सा हो जाए फिर आप इसमें टमाटो ऐड कर लेंगे एंड इसको कंटिन्यूसली कुक करते रहेंगे जब तक मसाला से तेल निकल ना जाए। देखिए, अभी हमारा मसाला से तेल निकल आया है, इसका मतलब मसाला हो गया है। उसके बाद हम जो पटाटो रखे थे, आलू रखे थे फ्राई करके, आलू को इसमें ऐड कर लेते हैं एंड आलू को इसके साथ अच्छी तरीके से मिलने देते हैं। आलू को मिलने के बाद हम इसमें पानी ऐड करेंगे। देखिए, आलू एंड मसाला अच्छी तरीके से मिल गया है। उसके बाद हम इसमें पानी ऐड करेंगे। आप 1 से 2 ग्लास पानी ऐड कर सकते हैं, छोटा ग्लास से। और उसके बाद पानी थोड़ा बॉयल हो जाए, हम जो फिश रखे थे फ्राई करके इसको ऐड कर लेते हैं। एंड आलू आप कच्चा भी ऐड कर सकते हैं एंड यहीं से वो बॉयल हो जाएगा। इसके बाद फिश ऐड करेंगे। फिश को थोड़ा उबलने देते हैं, थोड़ा सा बॉयल हो जाए तो बन गया है हमारा गर्मा गर्म फिश का करी। लास्ट में आप इसमें गरम मसाला का पाउडर एंड धनिया का पत्ता ऐड कर सकते हैं। सो कमेंट में बताना कैसे लगा आपको रेसिपी। बहुत डिलीशियस रेसिपी है। थैंक यू एवरीवन। जय जगन्नाथ।